हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिस। तो गाइस, ये डीएसएसबी का 28 अगस्त 2019 के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसकी आंसर की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है जो कमेंट कीजिए, ताकि और ये भी कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको किस टाइप के जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाऊँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 28 अगस्त 2019 को स्टाफ नर्स का पेपर हुआ है डीएसएसबी के लिए, तो उसकी यहाँ पे जो मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मिले हैं मुझे वही दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे टोटल 60+ क्वेश्चन है जो आपकी आने वाले एग्जाम्स में, जो 29 और 30 तारीख को, आज मीन्स आज ही 29 को और कल 30 को एग्जाम होना है, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो साथ ही ये क्वेश्चन जो उसके बाद एग्जाम है एम्स नवोदय इन सभी की में भी आपकी हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोफोबिया सीन इन विच डिसीज। हाइड्रोफोबिया किस डिसीज में देखने को मिलता है, तो मिलता है देखने को रेबीज में। हाइड्रोफोबिया मीन्स होता क्या है, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है, वे कंडीशन देखने को मिलती है रेबीज में। नेक्स्ट है, फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप विनर, तो फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप विनर कौन रहा, तो वो रहा जयपुर पिंक पैंथर, जिसने मुंबई को 35-24 से हराया है। यहाँ पे आंसर आ गया जयपुर पिंक पैंथर। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस बाय विच कमेटी, तो इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस किस कमेटी के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जंगल वाला कमेटी के द्वारा। जंगल वाला कमेटी कब बनी थी, ये बनी थी 1967 में। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन व्हेन केम इन इंडिया, तो साइमन कमीशन है इंडिया में कब आया था, तो ये आया था 1928 को, 1928 में। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन बाय विच रूट, तो ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, फिर से एग्जाम में आया कि बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है, ये दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट से। उम्मीद भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करती है, तो वो भी बीसीजी वैक्सीन है। फर्स्ट वैक्सीन कौन सी दी जाती है, तो वो दी जाती है बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट है, द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेसिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिसीज टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन इट्स नोन एज, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट इज डीपीटी वैक्सीन शुड बी गिवन इन विच मसल, तो डीपीटी वैक्सीन वो किस मसल में दी जाती है, तो ये दी जाती है वास्टस लैटरलिस मसल्स में, जो थाई में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज गैस सिंड्रोम नोन एज, तो गैस सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई फैट एडिकेट प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दैट इन मेडिसिन इज यूज्ड प्राइमरली टू ट्रीट डिफिकल्ट टू कंट्रोल एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन नोन एज विच टाइप ऑफ डाइट, तो किस टाइप की डाइट कहलाती है, कहलाती है कीटोजेनिक डाइट। नेक्स्ट इज आफ्टर रिमूविंग ईटीट्यूब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पे बता के रखी है कि ई टी ट्यूब रिमूव करते हैं तो आफ्टर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। फर्स्ट होती है पोजीशन पेशेंट ऑन हाई फॉलोअर पोजीशन, परफॉर्म सक्शनिंग एज नीडेड, यदि सक्शनिंग की जरूरत हो तो वो भी करें, फिर मॉनिटर SpO2 एंड वाइटल साइन ऑन कार्डियक मॉनिटर एंड मॉनिटर एफर्ट से पेशेंट इज ब्रीदिंग, तो ये सभी चीज़ें हैं जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है आफ्टर रिमूविंग द ई टी ट्यूब। नेक्स्ट इज व्हाट इज एनासार्का, तो एनासार्का क्या है, जनरलाइज्ड स्वेलिंग है, कब होती है, तो ये होती है यूजुअली ड्यू टू एबनॉर्मल फ्लूड रिटेंशन इन द टिश्यू। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडवाइज फॉर HIV पॉजिटिव बेबी इम्यूनाइजेशन, तो यदि कोई बेबी HIV पॉजिटिव है तो उसके इम्यूनाइजेशन में कौन सी वैक्सीन है जो एड नहीं की जाएगी, तो वो होगी BCG वैक्सीन। नेक्स्ट इज हॉकिंग्स लिम्फोमा, तो हॉकिंग्स लिम्फोमा क्या है, तो हॉकिंग्स लिम्फोमा हॉकिंग्स डिसीज एक टाइप का ब्लड कैंसर है जो लिम्फेटिक सिस्टम से स्टार्ट होता है, सो इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोमा इन विच अ ब्लड कैंसर दैट इट स्टार्ट्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुण जेटली एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट, अरुण जेटली है जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, तो वो अभी रिसेंट में ही एक्सपायर्ड हुए हैं, पास डबे हो गए, तो कब हुए, 24 अगस्त 2019 को दोपहर में 12:07 पे एम्स दिल्ली में। नेक्स्ट है GST रिलेटेड विथ विच आर्टिकल, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से किस आर्टिकल से रिलेट करता है, तो ये करता है आर्टिकल नंबर 279A और ये 1 जुलाई 2017 की मिड नाइट में है जो पास किया गया था।
नेक्स्ट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर. कौन सा आईजी है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है? तो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी. नेक्स्ट इज विच कंजेनाइटल अनामली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स मेनली इन लार्ज इंटेस्टाइन रिजल्टेड इन टू क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन. तो कौन सी कंजेनाइटल अनोमली है? तो इसको मेगाकोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसको हिस्प्रिंग्स डिसीज भी कहते हैं. तो यहाँ पे आंसर आ गया हिस्प्रिंग्स डिसीज. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एपीपैडियासिस. तो एपीपैडियासिस क्या है? एक रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है और डिसीज कह सकते हैं हम इसको. तो एपीपैडियासिस इज अ रेयर कंजेनाइटल एट प्रेजेंट बर्थ एबनॉर्मलिटी दैट इन्वॉल्व द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा. ये बॉयज़ में होने वाली कंजेनाइटल एनोमलीज है. इसमें क्या होता है? द यूरेथ्रा ओपन्स इन टॉप ऑफ द पेनिस रेदर देन द टिप. नेक्स्ट है विटामिन ए डिसऑर्डर. तो विटामिन ए डिसऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो एग्जाम में आए थे तो वहाँ पे आंसर आएगा जीरोथेलमी. और इसमें नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है जो विटामिन ए डेफिशियंसी है. नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फैट विच एंजाइम रिक्वायर्ड. तो फैट डाइजेशन के लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ती है? तो वो लाइपेस एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द आरएनटीसीपी लॉन्च मींस रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक टाइप की इम्यूनिटी है जो कब डेवलप होती है? आफ्टर एक्सपोजर टू अ सुटेबल एजेंट. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरली जब बॉडी में जब सो होती है डेवलप होती है जब कोई भी डिसीज कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है जो बॉडी में एंटर करने की कोशिश करें. नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो हड़प्पा संस्कृति है इसको किसने खोजा था? तो खोजी गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी. ये कब इसकी डिस्कवरी हुई थी? 1826 में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नार्कोलेप्सी. नार्कोलेप्सी एक स्लीप डिसऑर्डर है. तो नार्कोलेप्सी इज अ स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव स्लीपीनेस स्लीप पैरालिसिस हेलुसिनेशन एंड इन सम केस एपिसोड्स ऑफ कैटाप्लेक्सी. तो नॉर्मल सी बात है कि नार्कोलेप्सी क्या है? एक स्लीप डिसऑर्डर है और इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट डोज ऑफ विटामिन के फॉर प्रीटम न्यूबॉर्न. प्रीटम न्यूबॉर्न में विटामिन के का डोज होता है 0.5 ml और जो टर्म बेबी होते हैं उनमें होता है 1 ml. नेक्स्ट इज साइटोजेनेटिक टेस्टिंग. साइटोजेनेटिक टेस्टिंग है क्या? यहाँ पे साइटो वर्ड लगा है तो आप समझ जाइए कोई कैंसर से रिलेट करते हुए या फिर क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज को चेक करने के लिए कोई टेस्ट किया जाता होगा. तो साइटोजेनेटिक्स इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ क्रोमोसोम टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज. साइटोजेनेटिक टेस्टिंग में जो भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनका पता लगाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 द मेजर एडवांटेज ऑफ वेंचूर मास्क इज दैट इट कैन बी. तो मेजर एडवांटेज क्या है वेंचूर मास्क का? तो ये जो 100% ऑक्सीजन होती है तो उसी को प्रिसाइज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करता है. तो इसका ये मेन एडवांटेज है वेंचूर मास्क का. नेक्स्ट इज विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन स्टमक. तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्टमक में किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है? तो वो पेप्सिन. नेक्स्ट इज विच पोजिशन इज प्रोवाइडेड फॉर लंबर पंचर प्रोसीजर. तो लंबर पंचर प्रोसीजर में सी शेप्ड पोजिशन प्रोवाइड कराई जाती है साइड लाइन विथ हेड फ्लेक्स नीज डाउन टुवर्ड चेस्ट मीन सी शेप्ड पोजिशन. यहाँ पे इमेज देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. नेक्स्ट इज LSCS पोजिशन. तो LSCS पोजिशन में कौन सी पोजिशन दी जाती है? तो डॉर्सल पोजिशन विथ 15 degree लेफ्ट लेटरल टिल्ट और लेफ्ट और लेटरल पार्शियल सिटिंग. तो LSCS में दी जाने वाली पोजीशन है. नेक्स्ट इज आफ्टर हेड डिलीवर्ड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो जो डिलीवरी के टाइम पे जो हेड डिलीवर हो जाता है वजाइना से कौन सा स्टेप है जो नेक्स्ट लिया जाता है? तो वो था अप्लाई ट्रैक्शन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द हेड टू अकम्प्लिश डिलीवरी ऑफ द बॉडी. हेड बाहर निकलने के बाद ट्रैक्शन दिया जाता है बॉडी पे ताकि जो बॉडी है हेड बस बाहर आ गया तो बॉडी को भी सडनली बाहर निकाला जा सके. नेक्स्ट इज इन विच ऑपरेशन द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जेजुनम इन एंड ऑफ द साइड. तो ये क्या है? ये बिल रोथ सेकेंड गैस्ट्रो जेजिनोस्टॉमी इस प्रोसीजर का नाम है. नेक्स्ट इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय डिजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू इंक्लूडिंग लॉस ऑफ नर्व सेल डिसऑर्डर नोन एज. तो ये अल्जाइमर डिसीज है. डिजनरेशन ऑफ जो ब्रेन के टिश्यू होते हैं डिजनरेट होने लगते हैं धीरे धीरे
ये कंडीशन क्या कहलाती है, कहलाती है अल्जाइमर्स डिसीज। नेक्स्ट इज नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, इसको रिसेंटली नया नाम दिया गया है, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, ये कब लॉन्च हुआ था, तो हुआ था 1962 में। नेक्स्ट इज श्रीवास्तव कमेटी लॉन्च्ड इन, तो श्रीवास्तव कमेटी कब लॉन्च हुई थी 1975 में। नेक्स्ट इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन विच ईयर इन इंडिया, तो इंडिया में जो डोरी प्रोविजन एक्ट है जो कब पास हुआ था, तो हुआ था 1961 में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना एंड लेबियर रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज, तो जो यहाँ पे मेनली एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, यदि नॉर्मल क्वेश्चन भी आए द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द कॉन्सेप्शन, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है चैडविक साइन। चैडविक साइन में है जो सर्विक्स, वेजाइना और लेविया, तीनों पार्ट हैं जो ब्लूइश कलर के दिखने लगते हैं, तो ये साइन कहलाता है चैडविक साइन। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, तो जो राइट टू फ्रीडम है इंडिया में वो कहाँ से और किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, तो लिया गया था यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ पे आंसर आएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट इज विविड ड्रीमिंग मोस्ट कॉमनली अगर ड्यूरिंग, तो विविड ड्रीमिंग है जो कब देखने को मिलती है, जो है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होस्ट कंडीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज विच सॉल्यूशन हाइपर इन्फ्यूजन विल लीड टू एडिमा, कौन सा सॉल्यूशन के कारण इन्फ्यूजन देखने को मिलता है, तो होता है हाइपोटोनिक। नेक्स्ट इज रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन डजंट कंटेंट, तो रिंगर लैक्टेट में कौन सा कंटेंट है जो प्रेजेंट नहीं होता, वो होता है ग्लूकोज, और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया, तो एक्लेम्सिया में कौन सी मेडिसिन है जो यूज की जाती है, तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन UN हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में, US में। नेक्स्ट इज रूमेटॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, रूमेटॉइड फीवर किसके कारण होता है, होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, ABO ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय, तो ABO ब्लड ग्रुप है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, लैंडस्टीनर 1901 में लैंडस्टीनर के द्वारा ABO ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज एजोटोरिया, एजोटोरिया दैट मीन्स यहाँ पर रिया वर्ड प्रेजेंट, दैट मीन्स किसी भी चीज का डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन द फीसेस और यूरिन, स्टूल और यूरिन में एक्सेसिव नाइट्रोजनस सब्सटेंस का डिस्चार्ज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलाइटिस सीन इन विच विटामिन डेफिशिएंसी, तो ये दिखता है विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, केमिकल नेम है इसका राइबोफ्लेविन, इसमें है जो चिलाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज विच एंटीबॉडी इंक्रीज्ड इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन से एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर भी आया है कि किस कौन सी एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन है जो इंक्रीज्ड हो जाती है एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नेक्स्ट इज ऑलिव साइज ट्यूमर फेल्ट इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, मिलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट इज हु इज करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो एंटोनी गेटर्स हैं जो करेंट में सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट इज कंडीशन इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लीवर अकर्स टुगेदर इज लेस देन 2 आवर, कौन सी कंडीशन है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे से कम का हो जाता है, तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो स्टेज होती है लेबर की, उसमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का क्या मेन इंडिकेशन होता है, तो जो सर्विक्स होती है वो फुली डायलेट हो जाती है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आंसर आएगा फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ऑफ 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 9 साल के बच्चे का जो डेली रिक्वायरमेंट होगा कैल्शियम का वो क्या होगा, वो होगा 1300 mg/day। नेक्स्ट इज +1 head station ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेजेंट हेड ऑफ फीटस, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा बिलो इस्चियल स्पाइन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, रिलेशन ऑफ मदर स्पाइनल एक्सिस विद फीटल स्पाइन एक्सिस, ये रिलेशन क्या कहलाता है, जो मदर के स्पाइनल एक्सिस और फीटल स्पाइन एक्सिस है, ये कहलाता है लाई, यहाँ पे आंसर आएगा लाई। नेक्स्ट इज
An ultrasound is performed on a client at term gestation, that is experience moderating vaginal bleeding. The result of the ultrasound indicate that an abrupto placenta is present. Based on this finding as a nurse, what should you do? एक पेशेंट आया हुआ है तो उसका जो कम्प्लीटली जेस्टेशन इस टर्म जेस्टेशन की कंडीशन है उसको बट उसको मॉडरेटली वेजाइनल ब्लीडिंग शो हो रही है. अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करवाया गया है तो अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिला है कि एब्रप्टो प्लेसेंटा की कंडीशन प्रेजेंट है. तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, तो आपको उसकी एज डिलीवरी ही परफॉर्म करानी पड़ेगी. तो यहाँ पे आंसर आएगा डिलीवरी ऑफ द फीटस. नेक्स्ट इज हे टेस्ट इज यूज्ड फॉर. हे टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ द वाइल साल्ट इन द यूरिन. जो वाइल साल्ट है यूरिन उसको डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए जो हे टेस्ट यूज किया जाता है. नेक्स्ट आता है हेस टेस्ट. हेस टेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, रंपल लीड और टॉर्नक्यू टेस्ट. इट इज यूज टू असिस द कैपिलरी फ्रेजिलिटी. जो कैपिलरीज की फ्रेजिलिटी को चेक करने के लिए है हेस टेस्ट का यूज किया जाता है और इसको रंपल लीड और टॉर्नक्यू टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 59. कॉजेज ऑफ सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज. सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज का मेन कॉज क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस. यदि यहाँ पे प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज आए तो वो उसका कॉज होता है एटोनिक यूट्रस, बट सेकेंडरी पोस्टमार्टम का कॉज होता है एंडोमेट्रियोसिस. नेक्स्ट इज परपीरियम इज द पीरियड. तो परपीरियम पीरियड होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ अप टू 6 वीक. नेक्स्ट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉजिटिव एजेंट. तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का कॉजिटिव एजेंट होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस. नेक्स्ट इज साइज ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन नीडल. तो इंसुलिन इंजेक्शन की नीडल है उसकी साइज क्या होती है, कॉमनली नीडल लेंथ था 12.7 mm एंड 8 mm. तो गाइज यहाँ मुझे टोटल इतने ही क्वेश्चन मिले थे. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए. आई होप ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. बाय बाय.